सीएम शिवराज का बिंद दौरा। मुख्यमंत्री ने कहा, किल कोरोना अभियान जारी रहने पर ही टूटेगी कोरोना संक्रमण की चैन। अस्पताल में बढ़ेंगे 100 ऑक्सीजन बेड। बिंद क्षेत्र के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को रीवा पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने कलेक्टोरेट स्थित मोहन सभागार में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, किल कोरोना अभियान जारी रखने से कोरोना संक्रमण की चैन टूटेगी। संभाग में कोरोना की पॉजिटिविटी दर में लगातार कमी हो रही है। सब प्रयास करेंगे तो मई माह में ही बिंद क्षेत्र से कोरोना को पराजित करने में सफल होंगे। सीएम ने कहा, मेडिकल कॉलेज रीवा और संजय गांधी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर व 100 ऑक्सीजन सप्लाई बेड की वृद्धि की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन सप्लाई बेड की संख्या बढ़ाएंगे। शादी विवाह व अन्य बड़े कार्यक्रमों से कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए मई माह में शादियां न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। जिले में गंभीर रोगों के लिए पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। कोविड केयर सेंटरों में भी कम संक्रमित रोगियों के लिए व्यवस्था की गई है। संक्रमण रोकने के साथ साथ टीकाकरण के लिए भी जागरूकता अभियान चलाएं। इसके लिए जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, कोरोना वॉलंटियर और सहायता समूह मिलकर प्रयास करें। विधायक, खंड स्तरीय आपदा प्रबंधक समिति में संक्रमण रोकने के उपायों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के कोरोना पीड़ितों को भी निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कराएं। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सब्जी व फल बिक्री के लिए किसानों और व्यापारियों को सुविधाजनक समय पर बिक्री की व्यवस्था सुझाव दिया।